हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों को मन में बहुत डाउट है कि कैसे पेपर चेकिंग होगा। और दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेंट मैंने पिक किया है, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस मैंने पिक किया है कि कैसे लोग मतलब बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। तो दो नया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो लोग फेस कर रहे हैं, और उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या प्रॉब्लम है या नहीं है, कैसे आपको सावधान रहना है, ये आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मैकआउट स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप मैकआउट स्टूडेंट है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने जो आंसर स्क्रिप्ट देखा वहाँ पे एक पार्ट है जहाँ पे ब्लू पार्क करके पास में एक आपका साइड है, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाता है, तो उस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखे। तो क्या होगा अगर आपका क्वेश्चन स्कैन नहीं हुआ, तो क्या आपका पेज स्कैन होगा, आपका पेज चेक होगा, या फिर आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जिन्होंने भी किया है, तो उस क्वेश्चन के आंसर मैं ये देना चाहूँगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो तो स्कैन होगा ही, उसके साथ साथ आपका पेज भी स्कैन होगा जहाँ पर आपने लिखा है। तो ये नहीं है कि अगर आपका आंसर की जगह पर कोई आंसर पॉइंट नहीं दिया है कि आप सी का सपोज बी और ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन पिक नहीं होगा, आपका पेज देखा जाएगा। और वो लोगों को समझना पड़ेगा जो लोग आपका मतलब पेपर चेक करेंगे, वो लोगों को आंसर देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन आपका वो लोग चेक ना करें, कोई एक दो क्वेश्चन आपका मिस हो जाए, पर अगर ऐसा कुछ हो कि क्वेश्चन नंबर किसी ने नहीं दिया, तो वो लोग पेपर का आंसर देख के समझने की कोशिश करते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को डरना नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आपको ये ख्याल में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो जो ब्लू वाला पार्ट है वहाँ पे आपको लिखना है, और आपको जो आंसर है वो लिखना है, आपका जो एक रूल्ड पेज है वहाँ पे आपको लिखना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो आपको चेक होगा। अगर मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए, वो लोग समझ ना पाए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ दिया है, कैसे दिया है। तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम का सॉल्व। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि बहुत कोई बोल रहे हैं कि वो लोग बॉल पेन की जगह जेल पेन यूज कर चुके हैं, एग्जाम में जेल पेन से पूरा पेपर लिख दिया है, तो वो लोगों का क्या पेपर स्कैन होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों का बात मत सुनिए, आपका स्कैन होगा। आप पेंसिल मत यूज कीजिए, पर पेन से आपका स्कैन होता है। अगर जेल पेन भी आप यूज किए हैं तो आपका स्कैन होगा, क्योंकि कंप्यूटर जेल पेन स्कैन कर सकता है, पर बॉल पेन यूज़ करना ही अच्छा है। क्योंकि सपोज आप पकड़ लीजिए, आपका बेंच में पानी वानी रखा है, वो गिर गया, तो आपका पूरा पेज खराब हो सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि आपको जेल पेन नहीं यूज करना है, आपको बॉल पेन यूज करना है, या तो फिर ब्लू या तो फिर ब्लैक। तो ये दोनों में से आप कोई भी टाइप का बॉल पेन यूज कर सकते हैं, यही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं एग्जाम को लेके, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं बोलना चाहूँगा, जो है आप नीचे जाइए देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक न्यूज़ आया है, और बोल सकते हैं आपके लिए एक बहुत बुरा भी न्यूज़ आया है। तो न्यूज़ क्या है, नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए, बोला गया है अर्जेंट नोटिस फॉर एग्जामिनेशंस ऑन 16/12/2019। ये खोलिए, ये खोलने के बाद इजीली ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि बोला गया है कि सारा एग्ज़ाम जो 16 तारीख को है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 16/12/19, मतलब 16 तारीख को, मतलब कल जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा वो रिशेड्यूल्ड किया जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। तो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर मस्ट करना, क्योंकि सभी को जानना इंपॉर्टेंट है जो मैकआउट का एग्जाम दे रहे हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते, वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।